दोनों रैट स्नेक्स हैं, आप देख सकते हो। What is up, crazy people out there? This is Abhiru. Welcome to the vlog. So, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रैंडम रेस्क्यू व्लॉग है। कुछ अपडेट्स है जो मॉनिटर लिजर्ड के बारे में है, जो विच वॉज इंजर्ड पहले एंड शी इज़ टोटली फाइन। तो आगे आपको उसका रिलीज़ वगैरह देखने को मिलने वाला है। बहुत सही सही रेस्क्यूज़ है। सो या मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, आप जाके वीडियो देखो। बहुत ज़्यादा अनयूजुअल स्नेक भी रेस्क्यू किया है। सो या इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग गाइस, ट्रस्ट मी। पीस आउट, कंटिन्यू करो, लास्ट में मिलता हूँ। कुठे इथे एक आहे, दोन आहे। दे दे ह्याला, दे हेक्टिक डे। बहुत ज़्यादा भर भर के कॉल है हर जगह से। एंड गेस व्हाट, टुडे इज वीकेंड। सो मार्शल भाई भी आज साथ में है। बंटी भी साथ में है। बंटी एग्जाम लिख रहा है। बंटी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम के लिए कॉपी करके बता। ओह शिट, कॉपी कर करके एग्जाम भी दे रहे हैं, मतलब रेस्क्यू भी कर रहे हैं। मतलब देखो, मतलब बहुत प्रगति है। सो लेट्स गो चेक करते हैं। होपफुली कोबरा, जो थोड़े टाइम पहले हम लोग जाके आए थे बट मिला नहीं था। लेट्स सी। अरे कोबरा हो रहा है या कोबरा होने दो, कुछ भी नहीं, डरने का नहीं, कुछ नहीं, डरने का नहीं, डरना मना है। जा बस, सेट दिला तुम्हारा भी साफ पकड़। ऑलराइट गाइस, तो वो कोबरा तो मिला नहीं सेकंड टाइम हम लोग जाने के बावजूद भी। देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अपने भाई लोग, मेरे वाइल्ड फैमिली, तो मज़ा आया थोड़ा इंटरेक्ट करने को। अभी शायद आपको याद होगा कि एक मॉनिटर लिजर्ड थी जिस जो इंजर्ड हो गई थी। उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज थे न्यूरोलॉजिकल वगैरह, तो विच इज़ थोड़ा थोड़ा रिकवर हो गया है। उसने उसके आइज़ ओपन किए, उसका फ्रैक्चर भी हील हो गया। सो आई गेस इट्स टाइम टू रिलीज हर। सो हम लोग ने उसको जहाँ से रेस्क्यू किया था वहाँ पर ही रिलीज़ करेंगे, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर हैबिटेट और वहाँ के लोगों को भी कुछ ऐसा इशू नहीं है उसके बारे में। सो इट्स नाइस राइट कि वो उसके हैबिटेट में वापस जा रही है। तो अभी हम लोग तीनों भी इसको वही जगह पे रिलीज़ करने जा रहे हैं, और फिलहाल वो भी मेरे यहाँ पे साथ है। एक सेकंड, ये लुक एट हर, उसका ये आई वो ओपन नहीं कर पाएगी, पर शी इज़ फाइन अभी, और अच्छी तरीके से उसने हील कर लिया है। सो एज यू गाइस कैन सी, वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। सो लेट्स जस्ट गो एंड रिलीज हर। ओके, सो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड, और रास्ते में हम लोग ने वैभव दादा को भी पिक कर लिया है एंड बंटी तो है। सो फिट है वो। एंड अभी जो कॉलर है, जो सर है, हम जिन्हें हमने मतलब जिन्होंने हमें फ़ोन किया था, सो वो आए हैं, आ रहे हैं मतलब। तो फिर हम लोग जाके एक प्रॉपर हैबिटेट वाली जगह पे उसको रिलीज़ करेंगे, बिकॉज जस्ट एग्जैक्ट पॉइंट से हम लोग ने उसको रेस्क्यू किया था वो एक सूटेबल हैबिटेट नहीं था, बिकॉज वो ह्यूमन सेटलमेंट के बहुत पास में है और द बेबी इज़ अ लिटिल बिट हैंडीकैप्ड। तो सीन ऐसा है कि उसको कुछ तो न्यूरोलॉजिकल इशू है, इस वजह से उसका एक आई प्रॉपरली ऐसा डैमेज है, सो वो लाइफ टाइम कभी खोल नहीं पाएगा उसे, एज पर द डॉक्टर सेड।
सो उसको थोड़ा सा डीप कैनोपी के अंदर ही रिलीज करना पड़ेगा. सो देखते हैं, मार्शल भाई बहुत सोच में है. चलो लेट्स गो. और वो स्ट्रेस में आते हैं ना तो वैसा करते हैं बहुत बार. आपको होल्ड करना रहेगा, ऐसे पकड़ो तो जम मार देगा उसको. उसको थोड़ा ऐसा होल्ड पकड़ के रखो. इतना इजी होल्ड है. हां उसके ऊपर प्रेस नहीं करना. शायद ये लेग अभी भी थोड़ा ढीला लग रहा है. वो तो रहेगा ही थोड़ा बहुत. जब तक उसका एक्टिविटी नहीं होगा ना, तो जैसे अपना फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर फिजियो कराने लेके जाता है, तो इधर अंदर अंदर थोड़ा लेके जाएगा क्योंकि उसको वाटर लेवल थोड़ा ज्यादा चाहिए रहेगा. वाटर चाहिए. हाँ जंप कराया लगे कुछ. चलो जाएगा ना. जाओ ना ऐसे. अपन तिकडे जंप करू शकतो, इकडे जंप करायचं. येऊ येऊ काय नाही, आरामात येऊ. और कितरी ऊपर जाएंगे क्या? नाही नाही थैंक यू सो मच फॉर यू कॉल करने के लिए. इसके लिए बिकॉज माय कंट्रीब्यूशन इज 1% ओनली. नो 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 व्हाटएवर एफर्ट यू डिड फॉर 1 मंथ इट्स फाइन. इट्स फाइन. इधर क्या ओपन है? चलो परफेक्ट. शूज नव्हते काढायला पाहिजे. अरे पण ते माझे हे आहेत ना. छोटी आहे का रेल्वे? नाही ना. थोडा आगे जाएंगे वहां पे रिलीज कर देंगे. वहां पे प्रॉपर है. अल्लाह ना अल्लाह तरी चालू. हां नो नो ही विल श्योरली सर्वाइव. उसको करना ही है. हां वो ऑटोमेटिक ही करेगा. से बाय बाय. ओके थैंक यू. ओके चलो. सो सर ने कॉल किया था एंड नाउ शी इज टोटली फाइन. इकड़े चलो रिलीज करेंगे. यस बाय बाय. सब लोग बाय बाय बोलो. बाय बाय लारा. लारा रोरिस. नहीं नहीं उसने खुद को ही ग्रिप करके रखा है. लारा छोड़ना नहीं चाहते लगता है. पानी पी रही है. पानी पी रही है. दिस इज ड्रिंकिंग वाटर. पानी पीते हैं. दिख रहा है? हाँ हाँ. तो सब क्लास लगा था मुझे. ब्यूटीफुल प्लेस लग रही है. नहीं काटेगा नहीं. अच्छा वाला अच्छा. चल 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 आता जाए. इतनी पानी पी प्यास लगी है. चलो उसके उसको उसके इस पे छोड़ देते हैं. जैसा फ्री हो जाएगी क्योंकि अभी सब लोग अगर हाथ लगाएंगे तो वो और डर जाएगी. सो यार लेट्स जस्ट गो. आई विश हर ऑल द बेस्ट बिकॉज शी इज ड्रिंकिंग वाटर. सो उसको उसके हाल पे छोड़ने देते हैं एंड बाय बाय. अभी मैन वर्सेस वाइल्ड. वहाँ पे सरफेस ज़्यादा था. इधर यहाँ पे सरफेस कम है. हाँ पाइप पे उतर के जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं जा तो सकते. वन बाय वन. हाँ इधर आना पड़ेगा. आपको देख के वो लोग बस चलो मजा आया ना रिलीज करने का. ओके मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. टेक केयर. ये फाटली उसको हम लोग घैप करके प्रॉपरली आ रहे थे एंड
मार्शल भाई ने कल इस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉरेस्टिंग कैट स्नेक को रेस्क्यू किया है. सो दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन हियर, थोड़ा सा अनकॉमन ही है. सो दिस इज़ अ बेसिकली अ सेमी वेनमस स्नेक जिसे हम फॉरेस्टिंग कैट स्नेक बोलते हैं. फॉरेस्टन सा मांजरे आसाला मराठी में मनता है. दिस इज़ अ सेमी वेनमस स्नेक, मतलब इसके अंदर जहर है पर वो जहर इंसानों को कोई हार्म नहीं पहुँचाता है. ये आर्बोरियल स्नेक है, मतलब ये झाड़ों पर रहना पसंद करता है. ठीक है, इसको हम लोग रात को रिलीज़ करने को जाएंगे. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. सो कैट स्नेक इसके लिए बोलते हैं कि आप इसकी अगर हेड पास से देखोगे तो इसकी जो आँखें हैं ये बिल्ली की तरह लेती है. ठीक है, फिलहाल तो ये मॉल्ट पे आया अच्छा खासा. इनसे गुस्सा आता है तो फिर ये एस वगैरह बनाता है और ऐसे स्ट्राइकिंग पोजिशन में रहता है, पर फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा काम है. तो या फॉरेस्ट कैट स्नेक वेरी ब्यूटीफुल. इसके अंदर दो मॉर्फ रहते हैं, दो कलर रहते हैं. ये एक थोड़ा ब्लैक एंड ग्रे है, इसके अंदर एक ऑरेंज और वाइट कलर, मतलब ये जो ब्लैक कलर है इसको ऑरेंज और ये सेम कलर रहता है पीछे का क्रीमिश वाइट. सो या इसको भी रात को रिलीज़ करेंगे एज दिस इज़ अ नॉक्टर्नल स्पीसीज. सो या ये इस तरीके से एस बनाता है. Very beautiful. Oops. So this is the call 3. No, I don't remember the calls, but this is a beautiful Lycodonolicus, also known as the common wolf snake. He is eating a thick, real thick ass gecko. This is an electric box basically, aur uske andar se प्रॉपर बेस पकड़ेगा ले रहा है.
एक्शन कैमरा है ना, तो यार आई कुडंट गेट दिस वन। चलो इसको भी साथ में ले लो, अगर रास्ते में खा लिया तो खा लिया। वो बॉटल में डाल दो उसका नीचे। ये तो ऐसा रियल थिक गेट हो रहा है, ऐसा फेक लगता है ना, ऐसा जो टॉय में मिलता है ना दीपक भाई। चलो ऑलराइट गाइस, सो टुडे वी आर इनटू द नेचुरल हैबिटेट। पीछे पूरा फॉरेस्ट रिजर्व लैंड्स है और हम लोग रिलीज करने को आए, आप जैसे देख ही सकते हो। सो पहले हम लोग रिलीज करेंगे कैट स्नेक को। भाई प्लीज होल्ड करेगा इसे, इज द कैट स्नेक। ये जैसा मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कि ये झाड़ पे रहता है, तो इसको हम लोग झाड़ पे ही रिलीज करेंगे यहाँ पे। ये सेमी वेनमस ट्री स्नेक है जो कि काइंड ऑफ रेयर रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे झाड़ पे रिलीज करेंगे। ठीक है, लेटिन वो ऐसे अपना अपना देख के जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है तो फिर मैं अपना वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत फटाफट कर रहा हूँ। दिस वॉज द वुल्फ स्नेक विच वॉज ईटिंग द लिजर्ड। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको हम लोग यहाँ पे रिलीज कर देंगे अच्छी तरीके से। वो वेरी नाइस। एंड अगर आप लोग ने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको समझा रहेगा कि ये बैग के अंदर क्या है। ऑब्वियसली ये बैग के अंदर एक कोबरा है जिसको हम लोग ने उस स्कूटी के अंदर से रेस्क्यू किया था। ही इज़ फिट नाउ, अभी वो उसके जो गुंड्स है वो हील हो गए हैं एंड इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव। तो हम लोग इसको पहले रिलीज़ कर देंगे फटाफट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा है। एज यू गाइस कैन सी हिम, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। चलो चलो लेट्स गो चलो आगे। देयर ही गोस, वेरी गुड, सक्सेसफुली। एंड या दीज आर टू रैट स्नेक्स, एक जो हम लोग ने मॉर्निंग में रेस्क्यू की थी और एक आई गेस मेरे डैड ने रेस्क्यू किया है। सो अगेन रैट स्नेक्स आर द रॉन वेनमस स्नेक, बिना जहरीले सांप होते हैं। धामिन इनको पहचाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, मुँह के ऊपर ब्लैक स्टैंडिंग लाइन्स रहते हैं और यूजली ये 12 फुट तक बढ़ सकते हैं, एकदम हार्मलेस साफ। सो एक सेकेंड, इसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से टाई किया है, ये निकले नहीं। या बिकॉज ये लोग एक्सकेप मास्टर रहते हैं, तो मैं आपको यहाँ इसके अंदर बेसिकली अभी दो है, तो मैं आपको एक एक करके पहले बताता हूँ। ओके, दिस इज द फर्स्ट रैट स्नेक, एकदम प्यार से पहले देख लो इसे। हाँ, ये दूसरी भी निकल ही रही थी। सो ये दोनों दोनों रैट स्नेक से आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कड़क। ठीक है, चलो वी लेट देम गो, बाय, तू भी जा, बाय। चलो गाइस आगे का व्लॉग आगे कंटिन्यू करता हूँ, पीस आउट, बाय बाय। ऑल राइट गाइज, सो या दिस वॉज द फन वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, यार आप लोग वीडियोज़ देखते हो बट यू डोंट सब्सक्राइब, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, बस लाल बटन दबाना ही तो है, मतलब दैट्स नो वे अ बिग थिंग एंड इट्स टोटली फ्री। और मतलब क्या ही मतलब सब्सक्राइब करने को कितना टाइम जाता है गाइस, कम ऑन, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, अपने को फटाफट 500 के हिट करने का है कि नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने। आई एम बीइंग वेरी वेरी कंसिस्टेंट अभी से। एंड या व्लॉग्स तो आते हैं एवरी थर्सडे एंड संडे 11 AM इन द मॉर्निंग, एवरी थर्सडे एंड संडे। गेट नोटिफिकेशन ऑन, सब आपका नोटिफिकेशन बेल है सब ऑन करो। एंड या इट्स गोना बी वेरी क्रेजी, आगे बहुत ज़्यादा क्रेजी डोप कोलैब्स आ रहे हैं, बहुत डोप चीज़ें आ रही है, नए चीज़ें आ रही है। सो या मेक श्योर यू सब्सक्राइब गाइज एंड स्टे इन टच, मिलते हैं। अगर कुछ जानना हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आई बटन वगैरह सब जगह पे, एंड कार्ड के अंदर भी मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, सो डोंट फॉरगेट टू कैच मी देयर। बहुत सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। ऑल्सो मे बी संडे को आज जो कि एक नया कवर अपलोड होने वाला है इंस्टाग्राम पे, एक सॉन्ग कवर, सो या डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट।